बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा टॉपिक है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, इसमें जो जितने भी एनिमल्स आती हैं सभी की जॉइंटेड लेग्स होती हैं, यानी जोड़दार टांगें होती हैं। इसमें ज़्यादातर इंसेक्ट शामिल हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकती हैं। बीज हैं, लेडी बग्स हैं, बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, ये क्रैब्स हैं, बीटल्स वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं। आर्थ्रो का लफ्जी मतलब है जॉइंटेड, और पोर्स बोलते हैं लेग्स को। तो जोड़दार टांगों की ही वजह से इन एनिमल्स को हम आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। ये जो एब्डोमन वाला पार्ट है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये जो एब्डोमन वाला पार्ट है इसको आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स बने होते हैं, थोड़े से हिस्से बने होते हैं। इसके अलावा भी एक और ये सेगमेंट है जिसको थॉरेक्स बोलते हैं, और एक और ये सेगमेंट्स है जिसको हेड बोलते हैं। ये इसकी बॉडी के मुख्य किस्म के सेगमेंट्स हैं। तो तीन सेगमेंट बनते हैं मेन, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमन। और एब्डोमन को मज़ीद आगे फिर काफ़ी सेगमेंट्स में तकसीम किया जाता है, और ये सेगमेंट जो है ना वो वेरिएबल होती हैं। हर सेगमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, एब्डोमन थॉरेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, थॉरेक्स आगे हेड के साथ जुड़ा हुआ है, और जोड़ने वाली जो चीज़ है इसकी वो क्यूटिकल है जो कि काइटन की बनी होती है। इसके जो अपेंडजेस हैं, अपेंडजेस से मुराद जो मेन बॉडी के साथ लगे हुए हैं, जैसे ये एंटीना, जैसे ये लेग्स हैं। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लेग है। इसके अलावा ये जो विंग्स हैं, ये सारे के सारे अपेंडजेस कहलाती हैं। ये जो अपेंडजेस हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि विंग्स जो हैं वो उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए यूज़ होती हैं। लेग्स जो हैं वो चलने के लिए भी यूज़ होती हैं, और शिकार को पकड़ने के लिए भी, मुख्य पर्पज़ के लिए, और एंटीने सिग्नल के लिए। हेड के ऊपर मज़ीद इसकी आईज होती हैं जो कि देखने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये इसके मुख्य फंक्शंस हैं। इसके अलावा ये एनिलेट्स के साथ इसका ऑरिजन मैच करता है, यानी सेगमेंटेड बॉडी होने की वजह से। जैसे उसमें भी हमने पढ़ा था एनिलेट्स की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। तो ये ख्याल किया जाता है कि एवोल्यूशन के दौरान ये ग्रुप जो है वो एनिलिडा के साथ कोई रिलेशन रखता है, इंसेस्टर के हिसाब से, अपने आबाओ अजदाद के हिसाब से। हैबिटेट की बात करें तो ये हर किस्म के हैबिटेट में रहती हैं इस ग्रुप के एनिमल्स। लैंड में भी रहती हैं, एयर में भी फ्लाइट करती हैं, एक्वाटिक के अंदर भी, दोनों तो हर तरह के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करती हैं, मरीन में भी और फ्रेश वाटर में, समुद्रों में भी और ताज़ा पानी में भी रहती हैं। यानी हर किस्म के एनवायरनमेंट को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी वर्म लाइक होती है, वर्म कीड़ेनुमा होती है। कुछ इंसेक्ट इसके फ्लाइट भी करते हैं। फ्लाइट करने वाले जो एनिमल्स हैं उसकी बॉडी डिस्टिंक्ट होती है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन होती हैं, और बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल की तय होती है जो इसको वाटर प्रूफ बनाती है। पानी इसकी बॉडी में ना जाता है, और दूसरा इसकी बॉडी से पानी एवेपोरेट भी नहीं होता। ये इसकी करेक्टर बहुत अहम करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि अगर पानी इसकी बॉडी से निकलेगा तो ये इसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये इंसेक्ट हैं, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है इनको। इसीलिए इसकी वजह यही है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की तय है, और क्यूटिकल की तय इसके पानी को ज़ाया होने से बचाती है। सिलोम की बात करें तो सिलोम इसकी बॉडी के अंदर मेन कैविटी के तौर पर काम नहीं करती, बल्कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ वर्क करती है। यानी सर्कुलेटरी जो फ्लूड है, ब्लड जो है, वो इसी कैविटी के जरिए जाके पूरी बॉडी के अंदर जाता भी है, और जाके उन सिस्टम को ऑक्सीजन वगैरह भी फ्राहम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका काफ़ी डिवेलप्ड होता है। मालपीजियन स्टब्यूल होती हैं, जैसे वो आपने काकरोच के अंदर पढ़ा भी था, काकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसकी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो हाइंड गट
और मिड गाट और फोर गाट के दरमियान में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ये वर्क करती हैं, नाइट्रोजन के बेकार मादों को इकट्ठा करती हैं और नाइट्रोजन के बेकार मादों को यूरिक एसिड की शक्ल में खारिज करती हैं। यूरिक एसिड जो है इस शक्ल में पानी बहुत कम यूज़ करना पड़ता है नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए। नर्वस सिस्टम भी इसका हाईली डेवलप्ड होता है, ब्रेन होता है जिसको हम सिंपल ब्रेन ही बोलेंगे। ये ब्रेन पेयर्ड गेंगलियन पर मुश्तमिल होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नर्व कार्ड होती है और ये जो गेंगलियन है ये हर सेगमेंट के अंदर से इसके फिर वर्टिब्रल कॉलम से गेंगलियन निकलती हैं और ये पूरे जिस्म के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन इसकी बॉडी के अंदर कंपाउंड आइज और एंटीने होती हैं जो सेंसरी ऑर्गन के तौर पर वर्क करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड जो है ना वो स्लोमिक कैविटी के अंदर मूव करता है और टिश्यू को बाथ करता है। यानी दो सिस्टम होते हैं, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ इस तरह की कहानी होती है कि अगर ये टिशू है ना तो ब्लड की नाली इसके करीब से ऐसे गुजरी होती है। ब्लड ब्लड की नाली से नहीं निकलता बल्कि उसके अंदर से ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन निकल के टिशू की तरफ आती है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ऐसे ऊपर से ना ये ऐसे ब्लड जो है ना वो शावर की तरह आता है और नीचे यहाँ पे कोई आर्गन पड़ा होता है, आर्गन के ऊपर से ये ब्लड गुजरता है ऐसे, जैसे बिल्कुल आप शावर के नीचे ना आ रहे हो तो पानी आपकी बॉडी के ऊपर से गुजरता है। इसी तरह ब्लड भी इसकी नालियों से बाहर निकल के आर्गन के ऊपर या टिश्यू के ऊपर से गुजरता है तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ब्लड इसका कलरलेस होता है यानी हेमोग्लोबिन इसके अंदर नहीं होती, हर्ट होता है और ब्लड वेसल भी मौजूद होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये डायग्राम में आप देख भी सकते हो जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें एक यहाँ पे ये चीज़ देखें, ये वाली चीज़ ये एक ओपनिंग है जिसको स्पाइरिकल बोलती हैं। स्पाइरिकल से जो एयर है वो अंदर की तरफ दाखिल होती है अंदर, इस नाली को हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया आगे जाके जी यहाँ से जाके मज़ीद डिवाइड हो रही है, डिवाइड होती 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 मज़ीद यहाँ पे जाके बिल्कुल छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है जिन्हें ट्रेक्यूल्स बोलते हैं। ये ट्रेक्यूल जो हैं वो एंड पे जाके ये टिश्यू के अंदर इसकी ब्रांचेस गई हुई हैं और यहाँ पे वो टिश्यूज़ को, ये टिश्यूज़ को ना जाके यहाँ पे ये टिश्यूज़ को जाके ना आगे ब्लड की सप्लाई कर रही है। तो इस तरह का ये जो ना वो सिस्टम होता है इनका। मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर ये गिल्स भी होते हैं और लंग्स के तौर पर भी वर्क करते हैं। बुक लंग्स इसको बोलते हैं, बुक लंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे बुक के पेज नहीं होते इस तरह इसकी मुख्तलिफ तहें बनी होती हैं जिनके दरमियान से ये गैसेस का तबादला करते हैं। स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है यानी बाहर जो स्किन है यानी क्यूटिकल है वो कैटन की बनी होती है, वही इसको शक्ति देती है और उसी के साथ लोकोमोटरी मसल्स अटैच होती हैं, ये अटैचमेंट का काम भी करती हैं और आगे इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन भी देती हैं इसकी जो स्किन है और इसको स्केलेटन के तौर पर भी वर्क करती है। लोकोमोशन इसकी बड़ी स्विफ्ट मूवमेंट है, बड़ा अच्छी मूवमेंट, स्लो मूवमेंट है, कुछ तेज़ मूवमेंट भी करती हैं, एक्टिव मूवमेंट भी है और स्विफ्ट मूवमेंट भी है। स्विम भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं यानी रिंग के भी चलते हैं, हर तरह के इनके अंदर मूवमेंट है। और अपेंडजेज इसके लोकोमोशन वाले पेयर की शक्ल में होंगे यानी दो होंगे, चार होंगे, छः होंगे, इस तरह इसकी चुनाव अगर ज़्यादा भी होंगे तो वो भी पेयर की शक्ल में होंगे। रिप्रोडक्शन इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सी सेपरेट होती हैं, हर्मोफ्रोडाइट बिल्कुल भी नहीं होते, मेल अलग होती हैं, फीमेल अलग होती हैं, टेस्टिस होती हैं मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर जो कि एग प्रोड्यूस करती हैं, और इसकी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस भी होती हैं। मेटामॉर्फोसिस से मुराद है कि मेटा मतलब मोर, फोसिस मतलब शेप, इसकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की शेप होती है। जैसे ये एग है, यहाँ पर ये लार्वी है,
ये प्यूपा है। तो लार्वी की शेप सूंडी नुमा होती है, प्यूपा एक खोल नुमा, एक जैसे वो आपने रेशम के खोल देखे होंगे, रेशम के कीड़ा खोल बनाता है, वो खोल शायद कुछ स्टूडेंट्स ने देखे हों, वो प्यूपेशन फॉर्म है, और अडल्ट फॉर्म जो है ना वो इसकी बटरफ्लाई है। तो ये अपनी लाइफ के दौरान, लाइफ साइकिल के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं, जो कि शेप के हिसाब से एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस दो किस्म की होती है, एक है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में फोर स्टेजेस आती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। अगर ये चार स्टेजेस आएँ तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर ये इसमें तीन स्टेजेस आएँ, एग, निम्फ और अडल्ट, एग जो है ना वो दोनों के अंदर कॉमन है, वहाँ पे लार्वा की बजाय यहाँ पे निम्फ होते हैं। निम्फ और लार्वा में ये फ़र्क है कि लार्वा सूंडनुमा होता है, जो कि बटरफ्लाई से टोटली डिफरेंट होता है। निम्फ टोटली डिफरेंट नहीं होता, ये शेप में अपने पेरेंट जैसा ही होता है, लेकिन साइज़ में सिर्फ छोटा होता है। जैसे काकरोच के आपने बच्चे देखे होंगे, बिल्कुल काकरोच जैसे होते हैं लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं। तो यो निम्फल स्टेज है, और उसके बाद फिर अडल्ट, आस्ता आस्ता वो बड़े हो जाती हैं। तो ये दो तरह की स्टेजेस हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस।